अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो इस एसी डीसी सर्किट के ऊपर है। ये एसी डीसी सर्किट बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से इसका जो ये वीडीआर छोटा कैपेसिटर जल गया थे, जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ दिया था। और इसका डीसी सेक्शन बिल्कुल ठीक था, इसके ऊपर मैं अडाप्टर भी लगा सकता था, लेकिन इसका ये छोटा सा मसला था। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी ये मसला शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो में आप दोस्तों को ये इसके फॉल्ट के बारे में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, इसको मैंने रिपेयर कर दिया है। मैंने इसका वीडीआर भी चेंज कर दिया और इसका कैपेसिटर भी चेंज कर दिया। ये जो इसके अंदर पुराना लगा हुआ था, पावर की फ्लक्चुएशन की वजह से ये जल गया था। पुरुषों ने काम छोड़ दिया था। मेरे पास पुराना सर्किट पड़ा हुआ था, पुराने सर्किट से इसके पुरुषों ने निकाल कर इसे ही सर्किट के अंदर फिट कर दिया और ये सर्किट रेडी हो गया। तो अब दोस्तों मैं इसको फाइनल चेक करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने 220 के अंदर एंटर कर दिया। ये देखिए दोस्तों, इसकी बजर भी बज रही है, इसकी बीप भी बज रही है और साथ में ये इंडिकेटर भी दे रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।